सिंगरौली पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज विद्यनगर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पति और पत्नी को स्मेक एवं नकदी रकम के साथ पकड़ा गया। सीएसपी देवेश पाठक ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि रतिलाल शाह एवं फूलमती शाह जो दोनों पति पत्नी हैं यह नवजीवन बिहार के निवासी हैं। उन दोनों के विरुद्ध धाराओं के तहत एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनके कब्जे से 1,55,000 का 30.5 ग्राम स्मेक एवं 19,614 रुपए नकदी बरामद करने एवं विद्यनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीएपी देवेश पाठक ने कहा कि विद्यनगर थाना प्रभारी यूपी सिंह को कई दिनों से यह जानकारी प्राप्त हो रही थी कि गहिलगढ़ एवं नवजीवन विहार सेक्टर नंबर 3 निवासी महिला फूलमती शाह एवं उसका पति रतिलाल शाह स्मेक की बिक्री कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी यूपी सिंह द्वारा जाल बिछा गया, किंतु महिला इतनी शातिर थी कि कभी महिलगढ़ एवं कभी सेक्टर नंबर 3 में आ जाकर स्मेक बिक्री करती थी। साथ ही वह किसी भी समय अपने दरवाजे को नहीं खोलती थी, मात्र ग्राहकों की आवाज पर खिड़की के पास आकर स्मेक देखकर पुनः खिड़की बंद कर लेती थी। साथ ही वह अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। जैसे ही पुलिस दबिश देने का प्रयास करती वह अंदर से ही कैमरे देखते रहती थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता से पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सूचना मिली थी, कई दिनों सूचना मिल रही थी, लेकिन हम प्रयास करें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। आज सफलता मिली है, पति पत्नी पकड़ाए हैं स्मैक की खेप के साथ में। 30 ग्राम के लगभग स्मैक बरामद हुई है और स्मैक की बिक्री के लगभग 19 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। दो आरोपी रतिलाल है, उसकी पत्नी फूलमती है, इनको आज पकड़ा गया है। फूलमती इसके पहले भी जनवरी महीने में थाना बैरन में स्मैक के केस में गिरफ्तार हुई थी। उसके पहले शराब तस्करी का काम करती थी, शराब के कई मामले हैं उसके खिलाफ। इसके अलावा आबकारी विभाग द्वारा भी एक शराब तस्करी का बड़ा केस इसके खिलाफ बनाया गया था। इसका लड़का अभी शाहगंज जिला सोनभद्र में, थाना शाहगंज जिला सोनभद्र में 500 ग्राम स्मैक के साथ में टीम के साथ पकड़ाया है पिछले जुलाई के महीने में। उसके पकड़ाने के बाद ये फिर स्मैक के धंधे में उतर आई थी। 19 लाख से अधिक कैश बरामद हुआ है। एक्चुअली वो स्मैक लेने वालों को ही देखती थी और उसके बाद स्मैक देती थी, दरवाजा तब खुलता था। तो आज स्मैक खरीदने के लिए भेजा, ग्राहक बना के भेजा गया। जैसे ही उसने स्मैक दिया, पैसा लिया, हमारे आदमी ने इशारा किया और पुलिस तत्काल वहाँ घुस गई, तब जाके पकड़ में आई है। तो जस्ट पहुँचे हैं थाने, साहब लोगों ने बोले थे आ गए, पूछताछ करेंगे और आगे निकलेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली द्वारा सिंगरौली शहर में और सिंगरौली जिले में नशे की बढ़ रही, नशीले पदार्थों की बढ़ रही खपत और इसके लत में आ रहे लोगों को निजात दिलाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसमें नशा विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, जिन पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी तारतम्य में बिंदनगर थाना प्रभारी यूपी सिंह के नेतृत्व में थाना बिंदनगर की पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्यवाही आज की गई है, जिसमें नवजीवन बिहार सेक्टर नंबर 3 के रतिलाल शाह और उसकी पत्नी फूलमती शाह को पकड़ा गया है। इन दोनों के कब्जे से मिलाकर 30 ग्राम हीरोइन ये स्मैक जब्त की गई है और इनके पास से कब्जे से नकदी रकम 19,614 रुपए की जब्ती की गई है। अभी कार्यवाही लगातार चल रही है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस को कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि रतिलाल शाह अपने जो ऑटो चलाता है, अपने ऑटो में घूम फिर कर इधर उधर पुड़िया बेचता है। इसी तरह से उसकी पत्नी नवजीवन बिहार और बिंदनगर क्षेत्र का जो गहिलगढ़ वाला इलाका है और उसके आसपास इलाके में बैढ़न में यहाँ सब जगह घूम करके या अपने घर से जो नशा लेने वाले लोग हैं वो सब घर जानते हैं, तो अपने घर से भी बेचा करती थी और इसकी सूचना मिल रही थी, परंतु उसका घर लगातार बंद रहता था जिसके कारण से पुलिस अंदर तक नहीं पहुँच पा रही थी। आज उसमें योजनाबद्ध तरीके से एक ग्राहक को, गवाह को ग्राहक बना करके भेजा गया और वहां से खरीदी करवाई गई और उसके बाद उसके घर में घुस करके तलाशी ली गई। तो ये इतना मामला है। फूलमती शाह के विरुद्ध कार्यवाही थाना बैढ़न में की गई है। ये काफी दिनों से नशे का कारोबार कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। इसका लड़का सूरज शाह उसका नाम है, ये भी 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश में अपने गैंग के साथ पकड़ा गया है, जहाँ करीब 500 ग्राम हीरोइन उसके कब्जे से जब्त हुई थी और अभी जेल में है और आज पति पत्नी ये दोनों पकड़े।
सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।